पप्पू, अगर आपको हमना को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं तो ठीक है, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हैं। अरसल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। इतने सालों से हमना यहां रहती भी है, मेरी मां ने उसे बहू नहीं समझा, बेटी समझा। आप पूछिए इससे, कभी कोई नाइंसाफी, कोई ज्यादती हुई इस घर में इसके साथ? अहमद हमारी पहली औलाद है और अहमद की पैदाइश पर इतनी खुशी हमना को नहीं हुई थी जितनी अम्मी और बाबा को हुई। मेरी अम्मी हमना का बहुत ख्याल रखती है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो फिर ये मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरी अम्मी हमना के खिलाफ साजिश कर सकती है? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमना झूठ बोल रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि इसे कोई गलत फहमी हुई। मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता। आप चाहती है ना कि हमना और मैं अलग हो जाएं? तो पुप्पो ये नहीं हो सकता। बाबा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, और मैं ये अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी को लेके कुछ इनसिक्योरिटीज हैं आपके दिमाग, और आपको ये भी लगता है कि अम्मी कुछ बदल गई, तो ठीक है, मैंने कहा ना, ले जाए इसे अपने साथ। ठीक है बेटा, इसके बाद तो मेरा कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहा। अब अगर सामने वाला ही सच मानने से इनकार कर दे तो मैं क्या कर सकती हूं? हमना, मुझे एक बात बताओ, अहमद जब बड़ा होगा उसकी शादी करेंगे, उसकी बीवी उसे लेकर अलग हो गई तो? अल्लाह ना करे। देखा, नहीं हुआ ना बर्दाश्त, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मां अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती है? अन्ना प्लीज, सिचुएशन को समझो और समझाओ पुप्पो को जाकर।